हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए गर्मियों की दो टेस्टी सी रेसिपी लेकर। आज हम आम से बनाएंगे अपनी दोनों रेसिपीज़। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आम वाली रेसिपीज़। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 4 कच्चे आम ले लिए हैं, और इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिखाया है, ऊपर से पहले इनका जो नक्कू होता है उसको कट कर लिया, और फिर इस तरीके से पूरे आमी में मैंने चीरा लगा लिया, यानी अपनी जो कच्चे कैरी है उसमें चाकू के हेल्प से ऊपर से चीरा लगा दिया है। इसी तरीके से बाकी के आम पर भी मैं ऊपर से नक्कू हटाकर और उन पर चाकू के हेल्प से बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे चीरा लगा दूंगी। जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, वो दोनों ही रेसिपीज़ कच्चे आम से बनेंगी। इसके बाद हम लेंगे कुकर, जिसके अंदर मैं चारों आम इस तरीके से रख दूंगी, और उसके अंदर आधा ग्लास पानी डालकर, जितना कि कुकर में आपको मैं दिखा रही हूँ, मतलब हमारे जो आम हैं वो इतने डिप होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, और ढक्कन लगाकर कुकर का 2 सीटी आने तक मैं इसको पका लूँगी। दो सीटी आने तक हमने आम को पका लिया है। उसके बाद जब हमारे कुकर ने अपना प्रेशर रिलीज़ कर दिया है, मैंने कुकर का ढक्कन उस टाइम पे खोल लिया है। सारे आम को इस तरीके से प्लेट पे निकाल लूँगी, जिससे कि हमारे आम जो हैं थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएंगे। आम को ठंडा कर लेने के बाद इनके छिलकों को मैं इसके ऊपर से हटा दूँगी, और क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले चीरा लगा दिया था, तो देखो कितनी आसानी से जो हमारे आम हैं वो छिल रहे हैं। अब मैं एक बड़े साइज का बर्तन ले लूँगी। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर जो मैंने जिस पानी के अंदर आम उबाले थे वो पानी ऐड कर रही हूँ, और फिर जो मैं आम छील रही हूँ वो इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। सभी आम को मैंने छील लिया है। उसके बाद एक चाकू के हेल्प से जो इसका पल्प है उसको पूरा उस पानी के अंदर निकाल लूँगी, जिसके अंदर मैंने आम बॉयल किए थे, पूरा का पूरा पल्प निकाल लेंगे। गुठलियों पे से पूरा पल्प निकाल लेने के बाद जो आम के छिलके थे उनके ऊपर से भी मैं चम्मच के हेल्प से इस तरीके से जो पल्प लगा हुआ होता है वो भी इस तरीके से निकाल लूँगी। अब इसके बाद एक चम्मच के हेल्प से अच्छे से पानी को और जो पल्प है उसको मिक्स कर लेंगे, जितना वो हो पाता है। पहले हमने चम्मच से ही मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सी जार के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप चीनी। मैं बड़े वाले मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 250 ग्राम चीनी ऐड कर दी है। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी काफ़ी अच्छे से, जिससे कि जो आम का पल्प है और जो हमारी चीनी है काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब जो मैं पहली रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए मैं आधे आम का यूज़ करूँगी, मतलब आधे मिक्सचर का यूज़ करूँगी, और आधा जो है मैंने साइड में सेपरेट रख दिया है। मैंने इसको जिस कढ़ाई के अंदर पकाऊँगी उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था। अब मैं मीडियम हीट पर इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए चलाते हुए इस तरीके से पका लूँगी। इसका कलर 5-7 मिनट बाद चेंज होने लगेगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। तीन स्टेज में इसके कलर चेंज होंगे। पहले इसका कलर थोड़ा सा लाइट था, अब एकदम जैसे पका हुआ आम होता है वैसा इसका कलर येलो येलो सा हो चुका है, और थोड़ी देर बाद इसका कलर थोड़ा डल सा होने लगेगा, थोड़ा ग्रीन साइड पे जो होता है ना येलो, वो कलर इसका होने लगेगा। तो इसको पकाते रहेंगे। इसको पकाते वक्त हमने जो पलटा है उसको चलाना रोकना नहीं है, नहीं तो जो हमारा आम है वो नीचे से जल जाएगा। अभी ये बहुत पतला है, इसको हमने जब तक पकाना है जब तक ये एक थिक सा बैटर ना हो जाए। इसको पकाते हुए लगभग मुझे यहाँ पर 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स कितना गाढ़ा गाढ़ा सा ये हो चुका है बैटर,
और ऑलमोस्ट हमारा जो ये पहली रेसिपी है ये बनने को रेडी है। इसको मैं इस तरीके से चेक करूँगी, एक प्लेट के अंदर डाल के ये बिल्कुल भी बह नहीं रहा है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी रहेगा तो इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे, लेकिन जो मेरा वाला बैटर है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है और ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। अब तक तो फ्रेंड्स आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं गेस कर पाए हो तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं यहाँ पर आम का जैम बना रही हूँ और ये जो है अभी थोड़ा थोड़ा पतला लग रहा है आपको देखने में, पर मैं इसको जब फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रख दूँगी तो ये बिल्कुल जैसे जैली वाली फॉर्म होती है ना जैम की, उस फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको कांच की कोई शीशी या बॉटल है उसके अंदर भी स्टोर करके रख सकते हो, पर मेरे पास अभी कोई कांच की बॉटल अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसको एक प्लास्टिक के एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। अब हम आम के बचे हुए बैटर से बना लेते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी इलायची और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्सी जार का ढक्कन लगाकर बारीक पीस लूँगी। इसके बाद लूँगी एक छलनी जिसके अंदर से मैं इस बैटर को छान लूँगी। तो इस बैटर को मैं उस बर्तन के अंदर ही छानूंगी जिसके अंदर मैं इसको पकाऊंगी। मैंने एक कढ़ाई ले ली है ऊपर से एक छलनी लगाकर और उसके अंदर सारा का सारा बैटर इस तरीके से पोर कर दिया है। अब थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से इसको चलाते हुए काफ़ी अच्छे से हम छान लेंगे, जिससे कि इसके अंदर सौंफ या फिर इलायची वगैरह पीसी है उसका कोई भी छिलका या कोई भी पार्टिकल्स ना रह जाए, पीने में कुछ भी दरदरा सा ना आए। तो हम इस तरीके से इसको छान के काफ़ी अच्छे से इसका एक स्मूथ बैटर इसमें से निकाल लेंगे। अब इस बैटर को हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। आप इस स्टेज पर इसके अंदर नमक मिर्च भी टेस्ट करके देख सकते हो, अगर आपको कुछ कम लगे तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो। और इसको अब हम चलाते हुए पकाएंगे वही लगभग 10-12 मिनट के लिए, और 10-12 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से पक्के हो जाएगा रेडी। इसको पकाते हुए लगभग मुझे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत थिक सा होने लगा है। अब इसको हम बिल्कुल पलटे पे हल्का सा लेके और एक तार की जैसे चाशनी चेक करते हैं उस तरीके से हम इसको हल्का सा हाथ पर लेकर चेक कर लेंगे। अगर इसमें एक तार की चाशनी जैसे बनती है उस तरीके से बन रहा होगा तो इट मीन्स ये पककर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको एकदम पलटे से चलाते हुए थोड़ा जल्दी से जैसे ठंडा हो जाए उस तरीके से हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब आप चाहो इसको स्टोर करके रखना हो तो वही कांच की बॉटल में इसको स्टोर करके फ्रिज के अंदर कम से कम 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाया तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए इस तरीके से निकाल ले रही हूँ एक बर्तन के अंदर, जिससे कि इसको मैं अगर ग्लास में सीधा ही डायरेक्ट डालना चाहूँगी तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप चाहो तो किसी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर भी अभी डाल के रख सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह ज़्यादा नहीं बना रहे हो तो थोड़े से दिन के लिए, अगर आपको हफ्ते के लिए स्टोर करना है तो आप कर सकते हो। ये फ्रेंड्स हमारा गर्मियों के लिए आम पन्ना वाला मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। जब कभी भी हमारा मन करे आम पन्ना का तो इस तरीके से हम बनाकर मिक्सचर को पहले से तैयार करके रख सकते हैं और फिर एक ग्लास लेके उसके अंदर कुछ आइस क्यूब डालेंगे। उसके ऊपर ये वाला जो मिक्सचर मैंने बनाकर रखा है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैं यहाँ पर एक ग्लास के अंदर 3-3 चम्मच ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर काफ़ी अच्छे से इसको एक बार स्पून से मिला दूँगी। एक एक चुटकी काली मिर्च मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी जिससे कि देखने में ये थोड़ा सुंदर लगेगा। और अगर इसको आप थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर का जो फूड कलर है वो भी एक चुटकी जब हम इसको पकाते हैं बैटर को उस टाइम पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि इसका कलर जो है बिल्कुल मार्केट वाले आम पन्ना जैसा देखने में लगेगा।
मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें थोड़े हेल्दियर साइड पे बने, तो मैंने इसलिए इसके अंदर कोई फूड कलर नहीं ऐड किया है। बस मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा जो पुदीना पत्ती होती है उससे गार्निश करूँगी और इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा इंजॉय करूँगी। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको मेरी कच्चे आम से बनने वाली ये दोनों रेसिपीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करा करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा बुरा कैसा भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक और वीडियो में एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।